तो जहां तक कि हम बात करें इंटरनेट की, तो हम इंटरनेट चलाने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन भी ले लेते हैं, एक अच्छा कनेक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारा एक ऐसा घर में रूम जरूर होता है जिसके अंदर कई बार नेटवर्क नहीं आता, कई बार नहीं कभी भी नेटवर्क नहीं आता, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता, स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसके लिए कुछ यूट्यूबर मेरे छोटे बड़े भाई है जो वीपीएन ट्रिक एपीएन ट्रिक बताते रहते हैं सेटिंग में, ऐसा कर लो वैसे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जितना सिग्नल वहां से आता है उतना ही आपके मोबाइल में आएगा, आपके कोई भी सेटिंग कर लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वहां से जो सिग्नल आ रहा है उसको हम ज्यादा कैसे लाएं और ज्यादा अपने पास कैसे भेजें कमरे में, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, बाजार के अंदर बूस्टर भी आते हैं बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे, जिससे हमारा सिग्नल या इंटरनेट स्पीड है तो वो ग्रो कर जाती है। लेकिन इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी एक बूस्टर बनाया था हमें, तो उस वीडियो में मेरे कुछ छोटे बड़े भाइयों ने मेरे साथ चर्चा की भी, मतलब कमेंट में आकर उन्होंने बोला कि मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस वीडियो में बता दूं कि आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो मैं बूस्टर मैंने बनाया एकदम सिंपल है, आपका जीरो बजट में ना एकदम पूरा बूस्ट तैयार हो जाएगा और इंटरनेट स्पीड कुछ भी मतलब इतनी हो जाएगी, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा स्पीड आ गई है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और आज जो ट्रिक बताऊंगा इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, नहीं आपको मोबाइल शॉर्ट होगा, नहीं और कोई अलग साइड इफेक्ट इसके होने वाले हैं, एकदम स्पीड है तो इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, फिर एकदम अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, इंटरनेट स्पीड फटाफट चलेगी और वीडियो के लास्ट में हम थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है ओके। तो अभी देखते हैं बूस्टर कैसे बनाना और कैसे इंटरनेट की स्पीड है तो बनानी है, चलिए बता देता हूँ क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। एक आपको चाहिए एल्यूमिनियम वायर, एक चाहिए आपको कॉपर वायर यानी तांबे की तार, और एक चाहिए आपको फॉइल पेपर जो जिसमें हम रोटी वगैरह लपेटते हैं ठंडी ना हो, इसलिए फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम पेपर, सिल्वर और कोई भी कुछ भी बोल सकता है यार, अपने अपने एरिया की अलग अलग भाषा होती है, ठीक है। इन तीन चीजों से बूस्टर पूरा कंप्लीट हो जाए और ईयरफोन चाहिए खराब ईयरफोन, ठीक है। तो देखते हैं बूस्टर कैसे बन जाए। तो सबसे पहले बूस्टर की स्टेबिलिटी बनाने के लिए मैंने एक कील का सहारा लिया, कील मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब एल्यूमिनियम वायर से मैं एक एंटीना यानी एक बूस्टर जैसा इसमें आकार दे दूंगा। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट मोशन में कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए एक एल्यूमिनियम वायर से एकदम अच्छी तरह से इसमें आकार दे लेना, बूस्टर जैसा एकदम एंटीना जैसा, ठीक है। एकदम अच्छे से आकार देता हूँ। आकार देने के बाद आपको क्या करना है, एक पतली एल्यूमिनियम वायर और लेनी है, एल्यूमिनियम की वायर पतली लेनी है जिसको बीच में से ऊपर तक लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। एक पतली तार लेनी है और एक मोटे व्यास की तार लेनी है, एक पतले व्यास की, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पतली वाली वो लगा देनी है। इसके बाद में देख सकते हो आप कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें बूस्टर अभी रेडी नहीं हुआ है। इसके बाद मैं एक स्प्रिंग का सहारा लूँगा जिसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होती है जो तांबे की तार, वो एकदम अच्छी तरह से लपेट जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर मैं डालूँगा कॉपर की तार, कॉपर की तार का मतलब पूरे पे कवर कर दूंगा मैं एल्यूमिनियम को पूरा, कॉपर यानी तांबा, ठीक है। ये कॉपर की वायर ली मैंने और मैं स्प्रिंग के अंदर से इसको गुजारूंगा ताकि एक अच्छा कवरेज मैं जो बना सकते हैं घर पे, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, मतलब स्प्रिंग लगाने से क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल बढ़ गया है हमारा, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम वायर जो इसके अंदर लगा दी तो इसका कवरेज यानी क्षेत्रफल कुछ भी बोलो वो एकदम से बढ़ गया है, ठीक है ओके। कॉपर वायर पूरी अच्छी तरह से मैंने लगा दी, आप देख सकते हो कॉपर वायर और स्प्रिंग लगाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। बूस्टर लगभग रेडी है, अब हम एक फॉइल पेपर का सहारा लेंगे यानी एल्यूमिनियम पेपर भी बोलते हैं इसको, सिल्वर रोल भी बोलते हैं इसको, कुछ नहीं बस छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं दो चार और इसको लपेट देने हैं जहाँ पे कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर है जो आपस में टच हो रही है, ठीक है। बस कोई सी भी जगह लपेट दो, चार पांच जगह पर लपेट देना इसको अच्छी तरह से एकदम। ओके लपेट दिया, तो चार पांच जगह पर लपेट दिया, अब एकदम बूस्टर है जो बूस्टर की बात करें तो एकदम रेडी है, पूरा रेडी है। अब इसको कवरेज कैसे बनाना है इसका कवरेज और कैसे हमारे रूम तक इसको लेके जाना है, तो इसके लिए एक एल्यूमिनियम की वायर आपको और लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास पूरी लंबी वायर नहीं है तो आप टुकड़ों को भी इससे जोड़कर जैसे मैंने जोड़ के बनाई है जो कमरे तक आपके पहुंच सके इतनी बड़ी वायर है जो आपको ले लेनी है। ये मेरा कमरा है जिसके अंदर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, आज इसमें आ जाएगा पक्का 100 में से 100 ला के छोड़ना है, ठीक है। तो इस एल्यूमिनियम वायर को हम अटैच करेंगे अपने बूस्टर के साथ, बूस्टर के साथ अटैच कर देते हैं हम इसको जल्दी से, और फिर इस एल्यूमिनियम वायर को हम पूरे अपने कमरे तक लेके जाएंगे इसको। फिर आगे का प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ आपको और लास्ट में वीडियो के प्रूफ भी देने वाला हूँ मैं, नेटवर्क एकदम पूरा तरीके से दिखाऊंगा अभी बूस्टर लगाने से पहले कितना है और लगाने के बाद कितना है। तो ये वायर मैं अपने रूम तक लेके जा रहा हूँ,
इसके बाद आपको क्या करना है कि ईयरफोन आपको मिल जाएगा, ख़राब ईयरफोन जो होते हैं उसके दोनों सिरे काट लेने हैं, ठीक है, जहाँ पे जेक होता है वो भी काट लेने हैं और जहाँ पे जो कानों में लगाते हैं वहीं से भी काट लेना है। उसके बाद आपको इन चारों तारों को जला लेना है ताकि इनके ऊपर जो जैसे भी कोई ग्रिप वगैरह होती है वो एकदम अच्छे से उतर जाए, ठीक है। तो दोनों सिरों को मैंने जला लिया है, अब इनको अटैच करेंगे। इन चारों तारों को एक साथ कर देते हैं एकदम पूरा, और उसके बाद जो एल्युमिनियम वगैरह उसके साथ अटैच करेंगे। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। इसको पूरा अच्छा तरीके से अटैच कर देते हैं, सॉरी अटैच हो गया एकदम ओके। अब ये इधर वाला जो सिरा है इसको हम अपने रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। तो बूस्टर अटैच करने से पहले मैं आपको स्पीड टेस्ट करा के दिखा देता हूँ अभी पहले कितनी स्पीड है, ठीक है। ये देख लो यूट्यूब नहीं खुलता है, एकदम घटिया स्पीड है। मैं होम हाउस में रहता हूँ, मेरे आसपास ना कोई बाजार है ना कुछ और है, ठीक है, एकदम घटिया स्पीड देख ली। अब करते हैं बूस्टर अटैच, अब देखना फिर बूस्टर होममेड बूस्टर कैसे काम करता है। मोबाइल का बैक कवर उतार लिया और यहाँ पे जो है हम तार अटैच करेंगे पीछे बैक में। पहली वीडियो में मैंने क्या किया था, जेक के अंदर लगा दी थी तार, तो कुछ बोले थे मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा, मैंने सोचा चलो पीछे फॉइल पेपर की मदद से लगा देते हैं। ये फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है आपको और इस तार के ऊपर लगा देना है और इसको टेप की सहायता से इसको एकदम पूरा अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है ओके। अब मोबाइल को करेंगे हम रीस्टार्ट, ठीक है, एक बार मोबाइल को कर लेते हैं रीस्टार्ट, रिबोट ओके। तो मैंने वीडियो स्किप कर दी, जो अपना मोबाइल है जो रिस्टार्ट हो गया ओके, मैंने सोचा लंबी ना हो वीडियो, तो डाटा ऑन करते हैं और अब देखते हैं स्पीड। यूट्यूब खुल जा हाँ ओके ठीक है, स्पीड आ रही है 54 KB ओके फाइनली खुल तो गया यूट्यूब, ठीक है। स्पीड देख लो आप, ऊपर स्पीड देख लो भाई, स्पीड 242 KB ठीक है, अच्छी तरीके से यूट्यूब चल गया। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए मैं थोड़ा वीडियो को ऐड कर रहा हूँ भी, किसकी वीडियो है कैसी वीडियो है। ओहो ओके भाई ओके ठीक है, स्पीड देख लो आप एक मिनट। तो शायद आशा करता हूँ आपको बूस्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में कुछ जो बंदे बोल रहे थे ना कि मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, मेरा शॉर्ट नहीं हुआ था मोबाइल, सच में कुछ नहीं हुआ था मेरे को। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट हो जाएगा मोबाइल तो वो तरीका फिर मत अपनाना, ठीक है, ये फॉइल पेपर लगा लेना मोबाइल के पीछे। और जो कुछ बोल रहे थे कि भाई बिजली गिर जाएगी, मर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो भाई को ये तो है नहीं भी, पूरे साल 365 दिनों में बारिश होती रहती है, मौसम खराब रहता है, जब ड्राई डे होना उस दिन ट्राई करना भाई आप, ठीक है। इंटरनेट स्पीड अगर आपके अच्छे आ जाएगी तो आपको अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा कि किस दिन आपको ये ट्राई करना है, ठीक है, ड्राई डे के दिन आप इसको ट्राई कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके देना और चैनल को सब्सक्राइबर के पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।